अभी बजे है सुबह के 7:30 और हम तीनों उठे हैं अभी। और आज है फुल डेली, तो बच्चों ने नहाया नहीं है, बच्चों की छुट्टी, दक्षु की छुट्टी है, दक्षु छुट्टी है, तो दक्षु की छुट्टी है। और कभी कभी एग्जाम का गैप है। और भाई साहब हमारे आ गए हैं, ताऊ जी आ गए। ताऊ जी, दिखाइए जरा ताऊ जी ताऊ जी को। को नहीं दिखाते हैं, ताऊ जी को दिखाना बैन है। आइए हम ताऊ जी को दिखाओ, ताऊ जी बोलते हैं उनको मत दिखाओ। उसमें तुम्हारे वीडियो वीडियो देखा, दिव्यांशी और सागरिका आ गई हमारी फुल दिल्ली की दिल्ली पूजने। आज है फुल दिल्ली और सागरिका कर रही है हमारी दिल्ली। और दिव्यांशी वल्दिया अभी आ गई। दिव्यांशी तूने नहीं की क्या दिल्ली की पूजा? कर दी कब की भाई तूने? और अम्मा सिखा रही है नातनियों को। तो मोना अले पापा दे देंगे आपको। अले वाह सागरिका, ये लो। चुप रहे। ये सागरिका और ये तेरे लिए। थैंक यू। अरे नंगू देखो इधर, बाथरूम में खोलते बेटा कपड़े। चलो बाथरूम में जाओ। गवी दक्षु आप इधर आओ। इसको कहाँ डालोगे? अपने गुल्लक में डालोगे? चलो आप अपने गुल्लक में, आप ऊपर उठाऊँ आपको आपका गुल्लक देता हूँ। ये है दक्षी का गुल्लक और दक्षी गुल्लक में डालता अपने पैसा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीना संजय वल्दिया व्लॉग में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है छत से, और मैं उत्तराखंड के बेहद ही खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ से करती हूँ व्लॉगिंग। और आज है फूलदेई, फूलदेई छम्मा देई की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि आज से भिटौले का महीना हो चुका है स्टार्ट, और अब आएँगे हम लोगों के मायके से भिटौले। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भिटौला देने आती है मेरी मम्मी। और पीछे वल्दिया जी डाल रहे हैं चिप्स, थोड़ी देर मैंने डाल, अब थोड़े बहुत बचे थे वो डाल रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। नीचे चिप्स और है तो मैं लेके आती हूँ, और वल्दिया जी को डालती हूँ, वो थोड़ा फैलाने में कर देंगे मेरी हेल्प। और बच्चा पाटो की है आज छुट्टी, तैयारियाँ हो गई हैं आज चिप्स डालने की। चिप्स भी बन के रेडी हैं। और फ्रेंड सबसे पहले तो मैंने गवी को भेज दिया नीचे, क्योंकि दोनों भाइयों में हो रही थी बहुत ज़्यादा फाइटिंग। और सबसे ज़्यादा हेडेक तो तब हो जाता है जब दोनों बच्चों की हो घर पे छुट्टी, क्योंकि एक चला जाता है पापा की साइड, दूसरा आ जाता है मम्मा की साइड, और दोनों में बहुत खतरनाक वाली फाइटिंग होती है। और फिर बच्चों के चक्कर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी कुछ ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है। और वैसे तो हम में फाइटिंग होती नहीं है, लेकिन बच्चों के चक्कर में हो जाती है। और यहाँ पर हमने फटाफट से डाले चिप्स और फटाफट से अपनी अपनी शिफ्ट को चेंज किया। और आज धूप बहुत अच्छी थी, हमारे चिप्स बहुत अच्छे से सूखने वाले। 5 kg आलू के चिप्स हम लोग डाल चुके हैं। 10 के डाले थे, 10 के डाले, 10 kg छिले इन लोगों ने, तो पता नहीं 5 kg और, मतलब हम टोटल डालेंगे 15 kg। और फ्रेंड चिप्स के साथ जो होती है जद्दोजहद करनी पड़ती है। वल्दिया जी उधर छिल रहे हैं और फिर ऐसे कद्दू कस में निकाल रहे हैं, और इधर जो जो होते जा रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ इधर। और चिप्स हम लोग डाल चुके हैं, और यहाँ पे वल्दिया जी सिखा रहे हैं दक्षित को साइकिल चलाना, क्योंकि दक्षित पैंडल जो है अभी सीधे नहीं मार रहा है, वो मार रहा है उल्टे, जिससे चैन जो है फंस जा रही है। तो वल्दिया जी सिखा रहे हैं यहाँ पे दक्षित को साइकिल चलाना। फ्रेंड ये हैं हमारे आज के चिप्स, और टोटल बनाए हमने 15 kg आलू के,
और देखो धूप इतनी ज़बरदस्त थी कि ये भी आधे सूख चुके हैं, और ये वाले मॉर्निंग में डाल दिए थे तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर सूख गए, मतलब कि इनको हम फ्राई करके खा सकते हैं। आप इसकी आवाज़ से समझ सकते हो बिल्कुल ही सूख चुके हैं ये, और ये जो सुप्पे में रखे हैं ये वाले, और ये वाले जो है ये थोड़े मोटे निकाले थे तो इनको सूखने में एक दो दिन लगेगा। और फाइनली दक्षित जो है साइकिल चलाने लग चुका है, मतलब कि पैडल सही मारने लग गया। पहले ये पैडल पीछे कर दे रहा था तो जिसकी वजह से चैन बार बार फंस जा रही थी। और फ्रेंड यहाँ पे दक्षु देख रहा था टीवी, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बच्चे को ले निन्ना आ गई, ले मेरे पुच्चू को ले बाबू। मैं सोचू बहुत देर से हल्ले की आवाज नहीं आ रही है, कहाँ है दक्षित, कहाँ है? देखा तो महाराज को नींद फलमाई है। टीवी में चल रहा है इसका कार्टून, हल्क देख रहा है। हल्क निन्ना आ गई थी बाबू, नहीं बाबू निन्ना आ गई थी। छोना है, चलो फिर बेडरूम में चलो, उठो आ जाओ बेडरूम में, आ जाओ उठो मेरा बच्चा। आ लो और फ्रेंड देखे आज आपने कि भी हमने डाले पूरे 15 kg आलू के चिप्स। थोड़ा सा हो गई हालत ख़राब आज ऊपर नीचे करने में, लेकिन थोड़ा कम हुई। ये फौजी साहब चाहे होली में आए दिवाली में आए तो मेरी कर देते हैं हेल्प। और दक्षित क्यों कर रहे हो आप परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो आप, पिटोगे मेरे हाथ से? इधर बैठो। मैं क्यों बैठू? हाँ तो फ्रेंड मैं बोल रही थी कि चाहे होली में आए दिवाली में आए तो मेरी कर देते हैं थोड़ी हेल्प, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी जो मुझे पर्सनली मैसेज करती है यार कि तेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हाँ वो करते हैं बट वो बोलते हैं यार हमारे कुछ नहीं करते, करते नहीं है, करवाया जाता है जबरदस्ती। ये मजाक कर रहे हैं, ये हमेशा मतलब जितना भी बोलते हैं मजाक के उसमें बोलते हैं। तो यार ऐसा होता है ना, हर किसी की हैबिट जो होती है अलग अलग होती है, तो मेरी इनकी हैबिट है थोड़ा कर देते हैं हेल्प, इनको हमारे ऊपर आ जाता है थोड़ा सा तरस की यार वाइफ सुबह से लगी है तो हमारे ऊपर किसी को तरस नहीं आता, हेल्प हो जाती है करके। अब तुम यार ये पीछे से ऐसा मत कहा करो, फिर लोग सोचते होंगे कि मैं सच्ची में तुमसे काम कर रही हूँ। सोच वाली क्या बात है। तो मैं उन सभी लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके हस्बैंड का अलग अलग नेचर होता है। अगर हेल्प नहीं करते तो क्या है यार, जो तुम्हारी जरूरतें हैं उस चीज को वो लोग पूरा कर रहे हैं, तो तुम भी करो हस्बैंड की सारी जरूरतें पूरी। जैसे मैं इनकी सारी इच्छाएं, जो इन्हें खाना होता है जो इन्हें पीना होता है वो मैं पेश करती हूँ। पीना भी पेश होता है, मतलब कि ड्रिंक लस्सी वगैरह वगैरह। अब जो वाला पीना है वो तो मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी, और मेरे हिसाब से वो कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करेगी। आई समझ में बात फौजी साहब जी? नहीं आई तो हम समझा देंगे। तो इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग जो है एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही मनाई जाती है हमारे वहाँ पे फूल दही और छम्मा दही, और इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे तो उसकी वजह से एडिटिंग थोड़ा लेट हो पा रही है इस वाले ब्लॉग की। तो कल मिलते हैं आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम एंड शुभ रात्रि ऑल माय यूट्यूब फैमिली।